नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग प्रवीण में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है डायनेमिक सर्विसेज एंड सिक्योरिटी लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये सब चीजें पता चल पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 725 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे नेकॉफ ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, असेंबली, टेस्टिंग एंड कमिश्निंग ऑफ ग्रिड का काम करेगी। और इसमें ये कंपनी 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने का भी काम करेगी। ये ऑर्डर ये कंपनी 18 महीने में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद करिश्मा 16 रूपये बढ़कर अपर सर्किट लग गया था और इसका शेयर 178 रूपये तक पहुंच गया था फ्राइडे को। एक साल पहले इसका शेयर 19 रूपये का था, अब 178 का है। एक साल में इसने 9 गुना कर दिया है। सोचिए, अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रूपये लगाए होते तो आपके वो आज 9 लाख रूपये हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2001 में बनी थी। ये कंपनी मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, कंसर्वेंसी, हाउसकीपिंग, कैटरिंग, सिक्योरिटी एंड मैन पावर प्रोवाइड करने का काम करती है। ये कंपनी सोलर पावर का बिजनेस भी करती है और ये जो ऑर्डर इसे मिला है सोलर पावर के लिए मिला है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। इस कंपनी की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 9.53 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 246 करोड़, पी रेशो 19.4, आरओई 19.2% और डेप्ट टू इक्विटी 0.36 है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी में प्रमोटर्स का 64.70%, DIIs का 0% और पब्लिक का 35.30% स्टेक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी कैसी है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है और अगर आप इसका शेयर लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।